नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बिहार और बंगाल में दंगों को लेकर आज दो थ्योरी सामने आई हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जो उपद्रव हो रहा है, जो हिंसा हुई है, उसके पीछे दो लोगों का हाथ है, एक जो राज कर रहा है और दूसरा जो उसका एजेंट है। नीतीश कुमार ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना यह जा रहा है कि उनका इशारा अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ था। दंगे को लेकर दूसरी थ्योरी ममता बनर्जी ने दी है। ममता का कहना है कि बंगाल में दंगों के लिए बीजेपी जिम्मेदार है और इसके लिए बीजेपी ने बंगाल के बाहर से गुंडे बुलाए। तो क्या इन दोनों मुख्यमंत्रियों के मुताबिक बिहार और बंगाल में दंगा एक प्री प्लान साजिश थी? क्या इन दंगों के बहाने वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हुई? सवाल यह भी उठता है कि जब राज्य में दंगे हो रहे हों तो क्या सरकार सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? इस पर मुकाबला में करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का देख लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और दो लोग है समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना? नीतीश का इशारा किसके तरफ है? क्या जो राज कर रहा है वो नीतीश कुमार की नजरों में अमित शाह है? नीतीश की नजर में वो दूसरा क्या ओवैसी है जिन्हें नीतीश कुमार राज करने वाले का एजेंट बता रहे हैं? सासाराम में दंगा भड़का तो अमित शाह को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी थी। नवादा की रैली में अमित शाह ने सांप्रदायिक दंगों पर बड़ा अटैक किया तो महागठबंधन सरकार को दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। नीतीश कुमार के तुष्टीकरण पर बड़ा हमला हुआ। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। जाहिर है नीतीश कुमार की नजर में राज करने वाला शख्स अमित शाह ही है। वहीं बिहार में भड़की हिंसा को लेकर ओवैसी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो नीतीश तिलमिला उठे। उन्होंने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता दिया। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं, अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में, आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, और यहाँ क्या उनका है, कुछ है? तो ये तो बाजाबता उनके खास है, और जान बुझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार हमें वही पुराना कैसेट दोहरा रहे हैं कि एजेंट हैं। अरे भाई, जिस आप ही ने 2002 जब गुजरात का दंगा हुआ, आप बीजेपी के साथ रेलवे मंत्री थे, आप बीजेपी के साथ रहे, आप बीजेपी के साथ सत्ता में रहकर बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर नरेंद्र मोदी के साथ आप मिल गए, फिर मुख्यमंत्री बने। अब बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया, जिसने भाजपा की जड़ें मजबूत कर दी बिहार में, वो हम पर इल्जाम लगा रहा है ये कि नीतीश कुमार लगता है कि नोटरी एजेंट है। अरे भाई, हमने वाजिब सवाल उठाया था, आप आपके भतीजे को लेकर जाइए ना, उस जगह पर जाइए, मदरसा अजीजिया को जाइए, कंपनसेशन का ऐलान करिए, पुलिस अहदेदार जो थे जो नाकाम साबित हुए सस्पेंड करिए उनको, उस बजाय करने के दोनों बैठकर इफ्तार पार्टी में खजूर खा रहे हैं। दरअसल सासाराम और नालंदा दंगे को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार को बुरी तरह घेर लिया है। हिंसा की आग में जले बिहार को लेकर बीजेपी हमलावर है। नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। नालंदा और सासाराम में हिंसा के एक्शन का रिएक्शन आज बिहार विधानसभा में भी दिखा। बीजेपी विधायक शांत नहीं हुए तो स्पीकर ने उन्हें मार्शल से बाहर निकलवा फेंका। क्या हुआ सर? ये व्यवहार हो रहा है, क्या हुआ ये व्यवहार विपक्ष के साथ?
क्या हुआ है क्यों बाहर? बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया। तो दंगों को लेकर जमकर सियासत हो रही है, बंगाल हो या बिहार, लगातार जमकर ब्लेम गेम खेला जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, केके शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ अनुप्रिया हैं प्रवक्ता जेडीयू, इसके साथ ही स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और AIMIM से पक्ष रखने के लिए दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुप्रिया जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। एक राजा और उसका एजेंट बिहार में इधर उधर कर रहा है, तो बिहार में लोकतंत्र के द्वारा चुने गए राजा क्या कर रहे हैं? जिन्हें जनता ने चुना वो क्या कर रहे हैं कि उनके नाक के नीचे बिहार का माहौल खराब हो जा रहा है? अनुप्रिया, आप अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्राची जी, बिहार की जनता ने 2005 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा दिखाया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन की सरकार चलाई है, और हमारी जो सरकार है, हम हर जाति, हर धर्म, हर समाज को लेकर बात चलते हैं। आपने जिस तरह से अपने रिपोर्ट में हमारे ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी प्राची जी, कि जब हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रकाश पर्व में हमने लगाया था, उस समय देश के तमाम राजनेताओं ने और प्रधानमंत्री ने तारीफ की कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमने एक भव्य पर्व का आयोजन किया प्रकाश पर्व, तब तो हम पे आरोप नहीं लगता है। जब हम बीजेपी के साथ में मंच पे रामनवमी की यात्रा में पटना राजधानी में हम एक मंच पे खड़े होकर प्रभु श्री राम की यात्रा को हम अभिनंदन करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तब हमारे पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप नहीं लगती है। अगर हम मुस्लिम के एक पावन महीने पे अगर हम जाते, इफ्तार पार्टी में जाते हैं, हम तो तुष्टीकरण के आरोप लगाते हैं। ये एक मानसिकता देखिए कि किस तरह से देश में नहीं, अनुप्रिया जी बीच में रोक रही हूँ, सुनिए सुनिए मैडम, थोड़ा सा डिफरेंस कर लीजिए। इफ्तार पार्टी का जिक्र नहीं किया मैंने, मैंने तुष्टीकरण का जिक्र ही नहीं किया है। मैंने तो सीधा सीधा आपसे पूछा है कि एक राजा और उसका एजेंट अगर बिहार का माहौल बिगाड़ रहा है, तो बिहार की गद्दी पर बैठे लोकतंत्र के द्वारा चुने गए राजा क्या कर रहे थे उस वक्त, क्या कर रहे थे नीतीश कुमार? मैंने आपका सवाल सुन लिया प्राची जी। आप अगर फिर से अपने रिपोर्ट को देखेंगे, रिपोर्ट में आपने कहा कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने से अरे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना मैडम, फिर आगे चर्चा करेंगे, तुष्टीकरण पर भी चर्चा कर लूंगी। लग रहा है आपका फेवरेट टॉपिक है, इसी पर आप तैयारी कर आई है, लेकिन पहले मुझे राजा और उसके एजेंट पर जवाब दीजिए। हमारी तैयारी 2005 से है, और 2005 से हम सरकार में है, और ये बीजेपी हमारे साथ में आती है, इनको पता है कि हम किस तरह के शासन करते हैं। इनको हमने बताया था 2018 में, जब बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे के बेटे 2018 में भागलपुर में रामनवमी की यात्रा में उन्होंने दंगा भड़काया था, तब हमने कार्रवाई की थी। हम किसी को बचाते नहीं है प्राची जी, हम अपने राज्य सरकार होने के नाते हम पूरे अपने धर्म का पालन करते हैं और जिम्मेदारी भी लेते हैं। बिहार में 38 जिलों में, 36 जिलों में हमने शोभा यात्रा निकाली, शांतिपूर्ण निकली, लेकिन आश्चर्य होता है कि दो जिला जहां पे अमित शाह जी का कार्यक्रम होना था, और अमित शाह जी के कार्यक्रम के पहले रामनवमी के अगले दिन दंगा फैलती है, तो इसको हम सोची समझी साजिश नहीं माने तो क्या माने? सोची समझी साजिश। अनुप्रिया रुकिए एक सेकंड, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे ना। आपने बता दिया कि आपकी सरकार कितनी बेहतर है, आपने बता दिया कि कैसे आप इतने सालों से बिहार में राज कर रहे हैं। सुशासन के दावे क्या हवा हवाई हो गए हैं अनुप्रिया जी, कि आपको पता है कि सोची समझी साजिश रची गई है, आपको पता है कि एक राजा और उसका एजेंट ये काम कर रहा है, तो करिए ना कार्रवाई, क्यों बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं, पर्दाफाश करिए उनका। प्राची जी, अगर आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि हम सिलसिलेदार तरीके से हम एक एक लोगों से रिपोर्ट ले रहे हैं, घर में जाकर के हम रिपोर्ट ले रहे हैं, और रिपोर्ट अब सामने आएगा। मैं उम्मीद करूंगी जब वो नाम सामने आएगा, जब वो चेहरा सामने आएगा, तो तब भी आप हमारे साथ में डिबेट करते नजर आएंगे। बिल्कुल करूंगी अनुप्रिया जी, लेकिन अभी तक जब रिपोर्ट नहीं आया, मैं फिर सवाल करूंगी, अभी तक जब रिपोर्ट नहीं आया तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप राजा और उसके एजेंट का नाम लेने लग जाएंगी? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। 2018
2018 में रामनवमी की यात्रा निकलती है भागलपुर में, और भागलपुर में उस रामनवमी की यात्रा में दंगा देने का प्रयास करते हैं अश्विनी चौबे के बेटे। और ये कौन है अश्विनी चौबे? ये बीजेपी के नेता हैं, उनको भी हमने सलाखों के पीछे रखा। इसलिए ये चेहरा तो सबके सामने है ना कि चेहरा कौन है, अच्छा। इसके पीछे कौन, किसको हिंदू मुस्लिम की राजनीति, यानी इतिहास में जो हुआ, इतिहास में जो हुआ उसी का उदाहरण लेकर आप अभी प्रेजेंट में कार्रवाई करेंगी और प्रेजेंट में आप नाम लेने लग जाएंगी बिना किसी जांच के, बिना किसी रिपोर्ट के। आप ही के अधिकारी हैं बिहार सरकार में, दो अलग अलग FIR है ना मैडम, जांच होगी तभी तो सामने आएगा ना कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। बिल्कुल, जांच करेंगे और हम आरोपी को सामने लाएंगे और आपसे उम्मीद भी करेंगे कुछ आरोपी की जब चर्चा होगी तो आप हमें सम्मिलित करेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात कि मैं बता दूं कि यह जो बीजेपी है जिसके साथ में हम 2002 में साथ में थे, जिसमें अभी ओबीसी जी कह रहे थे, तब यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार ने, अटल जी ने खुद कहा था जब गुजरात में दंगा हुआ था कि राज धर्म का पालन करो। ये बीजेपी को समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, आप बीजेपी को पानी पी पी कर कोसती मैडम, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं आया अनुप्रिया जी। वैसी साहब ने जो कहा है मैं उस पर भी आपसे जवाब लूंगी, उन्होंने आपसे बड़े क्लियर सवाल पूछे थे, उन सवालों का जवाब ना तो आप मुझे दे रही है ना आप वैसी साहब को दे रही है। खैर, चूंकि आप बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो के शर्मा जी को मैं चर्चा में ले आती हूँ। के शर्मा जी राजा और उसका एजेंट, यानी एक तरफ वो लगातार अमित शाह का नाम ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जोड़ रहे हैं कि आप दोनों ने मिलकर बिहार का माहौल खराब किया है, यही आपकी राजनीति को सूट करता है। प्राची जी, जब बिहार के ऊपर जो है उनके चेहरे पर नीतीश कुमार जी ने कालिक मल दिया है तो अब वो क्या करें, उसको किसी पे तो वो लगाना है, कालिक तो इनकी सरकार के मुंह पे मली गई। जब जो है बिहार जल रहा था तो राजा बांसुरी बजा रहा था, आज 5-7 दिन बीत गए, नीतीश कुमार को इतना भी फुर्सत नहीं मिला कि उस क्षेत्र में जाके लोगों को सांत्वना दे सके। वो तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उनको तो बिहार में घटना होती है तो कहते हैं कि मुझे तो अभी पता नहीं, मैं तो यात्रा में चल रहा हूँ। अभी ये कह रही थी कि हम तो सारा खुलासा करेंगे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अनुप्रिया जी से कि शराब कांड हुआ था, इतने लोगों की मौत हुई, आज तक कोई खुलासा कर पाए आप? एक नाम बता पा रहे हैं कि किसने किया था शराब कांड? बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या हो गई, अपराधी पकड़ पाए आप उसके? आपके यहां अवैध कब्जा में फायरिंग हुई, इतनी लोग मारे गए, किसी को पकड़ा आपने वहां पर? क्योंकि आपको यही नहीं, एक लंबी फेरिस्त है, पिछले 8 महीने के अंदर जो है 100 से ज्यादा हत्याएं हो गई वहां पर, किसी का आप रिपोर्ट ला पाए हो? इसलिए क्योंकि आपको वहां पर, अब वहां जंगल पर जंगल राज पार्ट 2 चालू हो गया, वहां पर RJD से मिलकर आपने हिंसा और भ्रष्टाचार और टैक्स वसूल, गुंडा टैक्स के आपने जो है धंधा चालू कर दिया, और आप कुर्सी के कारण से नीतीश कुमार जो है उनसे अपना पीछा नहीं छोड़ा पा रहे RJD से, क्योंकि वो इतने लालची व्यक्ति हैं जो है, इतने अवसरवादी व्यक्ति हैं। ठीक है के शर्मा जी, आपसे गठबंधन टूटा तो नीतीश कुमार लालची हो गए, आपको 100 खामियां उनमें नजर आने लगी, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड, आपकी भी केंद्र में सरकार है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम रहे, ऐसे समय में जब आपको शांति की अपील करनी चाहिए, आपके नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं सर, कैसे थमेगा ये दंगा, कैसे जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है उसको आप कैसे रोकेंगे? प्राची जी, पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए कि कानून व्यवस्था राज्य की होती है, राज्य के अंतर्गत आती है, केंद्र से राज्य की कानून व्यवस्था। सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए एक सेकंड, मैंने नहीं कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था आपके अंडर आती है, आपको राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी है। मैंने कहा एक नैतिक जिम्मेदारी तो है ना आपकी, केंद्र में आपकी सरकार है, आपके नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं? नहीं, कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, जब आप बेवजह जो है बिना किसी जांच बिना किसी परख के और सीधे आरोप भाजपा के ऊपर लगाते हैं तो आपको जवाब नहीं होगा। किसने नहीं कहा वहां पर कि शांति हो, लेकिन आपके पास कोई जांच नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, और केवल तुष्टीकरण करने के लिए, और जब आप असफल हो गए वहां पर कानून व्यवस्था के मामले पर, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको एक सॉफ्ट टारगेट मिलता है कि भैया भाजपा पे लगा दो, इन पे लगा दो, इन पे कह दो, इसके बाद क्या है, लोग भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, फिर हम अपना फिर वही करेंगे, तो इसलिए आपको बड़ा आसान है कहने के लिए। लेकिन यदि आप शासन नहीं चला पा रहे हैं वहां पर, कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, तो फिर आपको वहां पर बने रहने का भी कोई औचित्य नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था पूरी, हम इंटरफेरेंस केंद्र आपको क्या, एक मिनट प्राची जी एक मिनट, केंद्र क्या कर सकता है, केंद्र आपको यही कह सकता है ना कि भाई आपके पास यदि पुलिस व्यवस्था कम है तो
तो हम केंद्रीय बल दे रहे हैं, हम आपको उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कहा बिहार में नहीं दिया, नहीं कहा। अरे आपकी सारी बातें ठीक है शर्मा जी, आपकी सारी बातें ठीक है, मैंने उन बयानों का जिक्र किया जो बयान आपके नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, एक सेकंड, किसी भी दंगे का या किसी भी दंगाई का कोई धर्म हो सकता है क्या? नहीं तो आप नहीं मुझे बताइए कि ममता बनर्जी ने कैसे धर्म गिन दिया उसमें। मैं ममता बनर्जी का थोड़ी ना आपसे बात कर रही हूँ, मैं तो आपसे आपकी जिम्मेदारी पूछ रही हूँ। ममता बनर्जी जो कर रही है उस पर उनसे सवाल किया जाएगा, उनके प्रवक्ता बैठे हैं। आपके नेता जो कर रहे हैं मैं आपसे सवाल पूछूंगी, जाहिर सी बात है आप अपना जवाब देंगे मुझे। प्राची जी बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सामने वाला यदि कोई जो वहाँ पर शासन और सत्ता में बैठा है, जब वो शासन और सत्ता में बैठ के बिना किसी जांच, बिना किसी पड़ताल, बिना किसी तथ्य के सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर पहले दिन से लगा रहे हैं, तो क्या उसका जवाब नहीं होगा? जवाब धर्म की राजनीति मत करिए, मैं तो ये कह रही हूँ आप जवाब दीजिए, आप दीजिए जवाब। आप नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करिए, लेकिन जब अलग अलग बयान और आप धर्म का एंगल ढूंढने लग जाते हैं उस पॉइंट पर मैं सवाल पूछ रही हूं। कौन सा धर्म का बयान है सर? आप खुलेआम कह रहे हैं कि ताजिए पर तो पत्थरबाजी नहीं होती, बहुसंख्यकों पर तो बड़ी जल्दी पत्थरबाजी हो जाती है। आपको नहीं लगता कि आपको संवेदनशील होकर बयान देना चाहिए? आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान भड़का सकते हैं लोगों को? मुझे प्राची जी एक चीज बताइए, हिंदुओं का त्यौहार, हिंदू त्यौहार मना रहा, हिंदू जलसा निकाल रहा है, हिंदू जो है आगे जा रहा है, हिंदुओं पर ही पत्थर पड़ रहे हैं, हिंदुओं पे भी हत्याएं हो रही है, उनकी ही दुकानें जल रही हैं, इसके बाद हिंदू ही दोषी हो गया, ये कैसा न्याय है? मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं। यानी हमने इसलिए ये बात कही कि आप जब ये कहते हैं वहां से आरोप लगाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि हिंदू जो है सहिष्णु है या नहीं। ठीक है, के आपके रमजान पे एक पत्थर है कितना सहिष्णु नहीं है, चर्चा का विषय है, इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। मेरा सवाल ये पूछिए ना, मेरा सवाल तो ये था कि दंगाइयों का क्या कोई धर्म हो सकता है क्या? धर्म के नाम पर ये राजनीति क्यों की जा रही है? अनुप्रिया जी जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी मैं रुक जाइए एक सेकंड। प्राची जी बहुत ही मुझे लगता है कि गंभीरता से इस टॉपिक पे बोलने की जरूरत है। के शर्मा जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमने व्यक्तिगत बताइए, विषय पर बात कीजिए, सुन लीजिए, व्यक्तिगत बताइए, विषय पर बात कीजिए, आपको व्यक्तिगत में सिखा दूंगा क्या है? आपने कहा कि आप व्यक्तिगत बताइए, आज आरोप लगाया आप अमित शाह जी जब बिहार के मंच में थे एक बार भी गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने अपील नहीं की कि बिहार को जलाइए नहीं, देश को जलाइए नहीं। आप वहां क्या कह रहे थे? 40 का 40 सीट मुझे दीजिए। क्या वो मंच था 40 सीट मांगने का? जब बिहार में बिहार शरीफ जहां जल रहा था आप वहां से 40 किलोमीटर पीछे आप नवादा में बैठे थे, लेकिन आपके नेता ने एक बार भी यह नहीं किया। एक राजनेता अनुप्रिया जी, यही तो दिक्कत है, सियासत में एक दूसरे के नेताओं की जिम्मेदारी नजर आ जाती है, अपने नेता की जिम्मेदारी नजर नहीं आती। जो गृह जिला है मुख्यमंत्री का वो भी जल रहा था, गए क्या वो अपने गृह जिला? नहीं गए क्या वो अपने गृह जिला? उन्होंने कितनी बार दौरा कर लिया? वो तो उल्टा कह रहे हैं कि प्रशासन की कोई गलती नहीं थी। तो अपनी जिम्मेदारी से आप भी मत भागे मैडम, अगर दूसरे की जिम्मेदारी आपको दिख रही है तो अपनी जिम्मेदारी भी याद रखिए। बहुत ही अच्छी एक पत्रकार है, मुझे लगता है कि आपको सुनने की जरूरत है। मैं क्या मैं सुन रही हूँ कि ठीक है हमारी जिम्मेदारी थी, हमने 24 घंटे में हमने स्थिति को कंट्रोल किया, लेकिन क्या गृह मंत्री होने के नाते क्या अमित शाह जी को? ठीक है आपने बहुत अच्छी कार्रवाई कर ली अनुप्रिया जी, लेकिन सवाल मेरा वही रहेगा कि जब आपको पता था कि प्री प्लान साजिश थी तो ये फेलियर आपसे कैसे हो गया? आप रुकिए एक सेकंड, रुकिए, बाकी मेहमान भी है, मैं उनको चर्चा में ले आऊं, सिर्फ आप ही नहीं है ना मैडम, समय चला जाए। एक सेकंड, दानिश कुरैशी जी जो ट्वीट या फिर जो बयान आपके नेता ने दिया है, हिंदुत्ववादी तंजीम के जुल्म से आपका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए प्राची जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गमजदा लोगों का, पीड़ितों का गम बांटने के बजाय वो अपनी सियासत पर उतर आए हैं। दिक्कत यहाँ यह है कि जिस तरीके से मदरसा जलाया गया, जो पूरी लाइब्रेरी थी उसकी ख़त्म कर दी गई, वहाँ मुलाकात लेना, उसका रिकन्स्ट्रक्शन करना, उसको कुछ अलाउंस देना, या और भी जो पीड़ित हैं उनके, उनको सरकार किस तरीके से मदद रूप हो सकती थी, उसके बजाय वो ये कह रहे हैं कि भाई ये एजेंट का काम है, ये उसका काम है। अरे भाई साहब, आप हमें ये बताइए, हम तो जेडीयू से ये पूछ रहे हैं कि आपको ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत कब पड़ी? जब बिहार में अमन अमान का मामला बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, तब
अगर आप अपना काम जिम्मेदारी से करते तो किसी विपक्ष के नेता को क्या जरूरत पड़ी थी आपसे सवाल पूछने की। हम आपसे पूछते हैं कि अगर मदरसा ना जलाया गया होता तो क्या ओवैसी साहब सवाल पूछते या और ये हंगामे ना हुए होते और मुसलमानों को लूटा खसोटा ना गया होता तो क्या सवाल पूछते। दिक्कत यहां ये है कि आप तो ये तवक्को करते हैं कि ये सारी चीजें जो है जिम्मे विपक्ष की है। आप पीड़ितों का दर्द कैसे बांट रहे हैं तो क्या आप रोजा खोल के खजूर खा के ये दिखाना चाह रहे हैं? दानिश जी, आप नीतीश कुमार पर बोल रहे हैं लेकिन हिंदुत्ववादी तंजीम का मतलब मुझे नहीं समझा रहे। एक सेकंड रुके, हिंदुत्ववादी तंजीम का के जुलूस से जो उपद्रव मचा इसका मतलब क्या है सर? क्या कह रहे हैं आप? क्या आप भी धर्म में बांट रहे हैं इस पूरे मसले को, इस पूरे दंगे को? देखिए, धर्म में बांटने की बात नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके के देश के अंदर में कट्टरपंथी ताकतें पनप रही हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में और जहां विपक्ष में है वहां पर भी। मैं आपको इसका जिंदा मिसाल दूं। आपको याद हो तो राजस्थान के अंदर में नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के शासन की सरकार में वहां कट्टरपंथियों ने महापंचायत बुलाई और क्या कहा कि जिस प्रदेश के नासिर और जुनैद है वहां की पुलिस अगर वहां के कट्टरपंथी को आरोपी को आपको कैसे पता चल गया कि उस जुलूस के नाम पर फसाद फैलाया गया? तो आगे तो सुनिए प्राची जी, इंटरवीन होने से पहले सुन तो लीजिए। गुजरात के अंदर में क्या हुआ तो वीएचपी का कार्यकर्ता खुलेआम पुलिस को धमकी दे रहा था। क्या कर रहा था वो? हालांकि बाद में जब इंटेलेक्चुअल लोगों ने वहां के स्थानीय लोगों ने जाके जिम्मेदारों के सामने पेशकश की तो उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसकी भाषा आपने देखी थी। यही वो कट्टरपंथी लोग हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। दानिश जी, ऐसे बयान दोनों पक्षों की तरफ से दिए जाते हैं। अगर एक बयान को आप आधार मान लेंगे कि जुलूस की वजह से दंगा फैला है तो फिर तो सर हो गई जांच, फिर तो इस देश में पुलिस दूसरा पक्ष बताइए, न्याय व्यवस्था क्या कर रही है? कौन सी दानिश कुरैशी जी, जो एक एफआईआर दर्ज हुई है, रुकिए मैं बताती हूँ, जो एक एफआईआर दर्ज हुई है जो वहाँ के सीओ ने दर्ज करवाई है, सुनिए तब तो ना, सुन तो लीजिए। वहाँ के जो सीओ हैं जो मौके पर तैनात थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कब्रिस्तान में खड़े हुए मुस्लिम लड़कों ने पत्थरबाजी की है। तो मान ले हम कि ये तो मुस्लिमों की तरफ से उपद्रव किया गया है। सुनिए मेरी बात, मत मानिए। मैं आपको बताता हूं कि गुजरात के बड़ौदा में जो दंगे हुए उसमें दो दिन के बाद वीएचपी के कार्यकर्ता की गिरफ्तारी, उसके पहले 24 लोगों की गिरफ्तारी जो थी वो एक तरफ के पक्ष की थी। आप बताइए अब कैसे किया जाएगा? अभी जयपुर में बम ब्लास्ट के जो आरोपी थे उनको निर्दोष छोड़ा गया। हाईकोर्ट ने क्या कह के छोड़ा कि भाई ये गुनहगार ही नहीं है। दिक्कत यह है कि आप निर्दोष लोगों को, बड़ौदा के अंदर में एक लड़का नौजवान जो अपनी जॉब पे था, मैं तो कह रही हूँ कि जांच का इंतजार कर लीजिए। मैं आपको एविडेंस दे दूंगा जो बड़ौदा की बात कर रहा हूँ। मत करिए दानिश कुरैशी जी, प्राची जी, मैं जो बड़ौदा के जो नौजवान की बात कर रहा हूँ एविडेंस दे दूंगा। इतनी जल्दबाजी मत करिए, जांच होने दीजिए। देश में न्याय व्यवस्था है, देश में पुलिस प्रशासन है, इंतजार करिए जांच रिपोर्ट का, उसके बाद तय कर लीजिएगा कि दंगा करने वाले हिंदू थे या मुस्लिम थे। मत बांटिए इस देश को। अब एक सेकंड रुकिए, उसके बाद कैसे तय होगा उसके बाद बताइए तो आप। देश की न्याय व्यवस्था पर यकीन नहीं है दानिश जी? यकीन नहीं है देश की न्याय व्यवस्था पर? मैंने पुलिस की बात कही, न्याय व्यवस्था की बात कही। आप बात क्यों घुमा रही हैं प्राची जी? मैंने बात घुमाई नहीं है सर। मैंने कहा पुलिस प्रशासन है, देश की न्याय व्यवस्था है। आप वहां पर जाएंगे तो कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। आप रुकिए जरा एक सेकंड, अश्वनी उपाध्याय जी, आप रुकिए। अश्वनी उपाध्याय जी, दंगे जब भी होते हैं तो हिंदू मुसलमान के चश्मे से बात कर सियासी रोटियां जो सेकी जाती है, कैसे देश का माहौल नहीं बिगड़ता? दानिश जी हो गया आपका, एक सेकंड रुकिए अश्वनी जी। अरे प्राची जी सुनिए, पहले जो पत्थरबाजी साल में एक बार होती थी या दो बार होती थी वो बढ़ते बढ़ते महीने में एक बार दो बार होने लग गई और अब तो बढ़ते बढ़ते हर हफ्ते होने लग गई। आप हर हफ्ते में देख लीजिए, अगर आप सोमवार से लेकर रविवार तक सारे दिन को काउंट कर लीजिए और सर्वे करा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस दिन सबसे ज्यादा पत्थरबाजी होती है भारत। पहले जहां भारत के कुछ राज्यों में पत्थरबाजी हो रही थी, कश्मीर में हो रही थी या बंगाल के बॉर्डर वाले जो बांग्लादेश से सटे हुए जिलों में पत्थरबाजी हो रही थी, वो पूरे भारत में फैल चुकी है। इसमें कोई कहने में कोई दो राय नहीं। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत को अपना के हमने पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम को अच्छा नहीं किया।
हमने हमारे हमारे रामायण में लिखा हुआ ना भय बिन होइ न प्रीत, तो दंगाइयों में भय पैदा हो ना हमने ऐसा कानून बनाया, ना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया, ना हमने इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने इनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाया। ऊपर से नोट और वोट के खातिर इनके समर्थक और तैयार हो जाते हैं, नेताओं को दंगाइयों का वोट चाहिए और बड़े बड़े वकीलों को दंगाइयों से नोट चाहिए, तो नोट और वोट के खातिर पूरा पूरा इनको प्रोटेक्शन मिल जा रहा है, इसलिए पूरी कहानी हो रही है। मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं, ड्राइवर बहुत अच्छा हूं, मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हैं, चलो मान लेते हैं एक बार अच्छे हैं, लेकिन बात केवल यह है उत्तर प्रदेश में दंगा क्यों नहीं हुआ रामनवमी पे और बिहार में क्यों हुआ। चलो नीतीश कुमार जी को बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सवाल एक ही बनता है उत्तर प्रदेश में, भाई मुख्यमंत्री योगी जी से ज्यादा अनुभवी क्या बोलते हैं नीतीश जी हैं, योगी जी दूसरे बार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी तीसरी या चौथी बार मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ज्यादा अनुभव है, सांसद का भी अनुभव है, विधायक का भी अनुभव है, मुख्यमंत्री का अनुभव है। सवाल केवल एक ही बात है कि यूपी में दंगा क्यों नहीं हुआ, बिहार में दंगा क्यों हुआ। बड़ी सीधी सी बात है, जब दंगाइयों को लगता है कि उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलेगा जी, तो स्वाभाविक सी बात है वो दंगा करेंगे। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, आखिर रामनवमी के दिन दंगा क्यों होता है, होली के दिन दंगा क्यों होता है, रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा होती है, उस दिन पत्थरबाजी क्यों नहीं होती, सोमवार को शंकर जी की पूजा होती है, उस दिन पत्थरबाजी क्यों नहीं होती, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, उस दिन पत्थरबाजी क्यों नहीं होती, बुधवार को गणेश जी की पूजा होती, उस दिन पत्थरबाजी क्यों नहीं होती, बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा होती, उस दिन पत्थरबाजी क्यों नहीं होती, शनिवार को शनिदेव की पूजा होती, उस दिन पत्थरबाजी क्यों नहीं होती, ये शुक्रवार को पत्थरबाजी ज्यादा क्यों होती है। पुरोहित जी, सवाल ये है कि दंगा हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के घर जल गए, लोगों को चोटें आई हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे समय में क्या सियासी रोटियां सेकना जरूरी है, एक दूसरे के सर पर टोपी पहनाना क्या जरूरी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना भी तो बहुत जरूरी है ताकि बंगाल की स्थिति सुधर सके। बंगाल की ही नहीं, पूरे देश की स्थिति सुधरना बहुत जरूरी है, बंगाल की स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, ये सोचने का विषय है कि अभी देश के अंदर में जो माहौल बनाया हुआ है, ये माहौल कहां बन रहा है। देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है वहां पे ये लोग अपने बाहर से लोगों को ला करके, पश्चिम बंगाल में आपको पता होना चाहिए जो हावड़ा में जो दो जगह डिफरेंसेस हुआ, 1000 से भी ज्यादा रामनवमी की जुलूसें निकली है बंगाल में, मैं खुद भी उस कुछ जुलूसों में शामिल था, हमने भी फूल बरसाए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता है, मगर जो सुसज्जित तरीके से प्लानिंग तरीके से कि हमें कुछ गलती करनी है, जो लड़का पकड़ाया गया है 19 साल का एक सुमित शाह बोल करके, वो लड़का कौन है, वो लड़का जिसको स्कूल में जाना चाहिए था, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ये बात बोलती है कि उस बच्चे को जिसको स्कूल में जाना था उसको भारतीय जनता पार्टी ने रिवॉल्वर पकड़ा करके जय श्री राम के नारे लगवा, मतलब राम के नाम को ये लोग इतना बदनाम कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। देखिए, अभी कुछ देर पहले जो हमारे लीगल एडवाइजर है वो कुछ बात बोल रहे थे कि फलाने दिन नहीं होती है, पश्चिम बंगाल में लाखों लोग दुर्गा पूजा में इकट्ठे होते हैं, मेला निकलता है, गली गली में मोहल्ले में पूजा होती है, क्रिसमस मनाया जाता है, रमजान का पर्व चल रहा है, लोग अपना त्योहार मनाते हैं, हिंदू मुसलमान मिलकर के रहना चाहते हैं, मगर ये कौन सियासी लोग है धर्म के नाम पे जो बांटने के लिए, जिनका इंटेंशन है कि वो धर्म के नाम पर राजनीति करके। आप देखिए, गृह मंत्री का बयान आता है कि हमें बिहार में 40-40 सीटें जीतेंगे, अरे ये कैसा बयान दे रहे हैं, देश जल रहा है, आपको ये बयान देना चाहिए कि सभी धर्म के लोग मिलकर के रहे, एक साथ में रहे, कोई भी एक दूसरे के ऊपर मतलब गलत वार न करे, ये बयान होना चाहिए, घर का जो बड़ा होता है ये बयान होना चाहिए, घर में अगर कोई भी तरह की हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं इसका जवाब के शर्मा जी से लूंगी, लेकिन अब आप जवाब अपनी सरकार पर दीजिएगा, जब आप पूरी तरीके से जनरलाइज कर देते हैं तमाम राम भक्तों को, बिना जांच के आप ये तय कर देते हैं कि दंगा किसने भड़काया, तब क्या आपसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, राम भक्तों ये वाम दल और राम भक्तों की तरफ से रची हुई साजिश है? नहीं, राम दल की बात नहीं है। देखिए, राम भक्तों का सभी सम्मान करते हैं, कौन नहीं करता है, हम खुद भी राम भक्त है, बात राम भक्त का ठीकरा, ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन लोग है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग है जो अपने आप को श्री राम के ठेकेदार समझते हैं, और ये बाद में बच्चों को इनको जवाब पूछना चाहिए के शर्मा को कि 19 साल का लड़का। पुरोहित जी एक बात का जवाब देंगे क्या, पुरोहित जी एक बात का जवाब देंगे क्या, बंगाल में कैसी सरकार है, सशक्त है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं ममता बनर्जी? 100% मजबूत सरकार है, एकदम सशक्त सरकार है, एकदम सशक्त सरकार है, एकदम सशक्त सरकार है, और जो 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है वो धर्म और जाति देख करके नहीं गिरफ्तार करते हैं कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। एक सेकंड रुकिए ना पुरोहित जी, पहले मेरे एक सवाल का जवाब आ गया कि एकदम मजबूत सरकार है, एकदम सशक्त सरकार है, आप मुझे बताइए इतनी मजबूत सरकार है कि बाहर से आए हुए लोग बंगाल में साजिश रच गए, आपको पता नहीं चला,
साजिश हो गई, दंगा हो गया, अभी तक बिहार चल रहा है, आपको पता नहीं चला? अभी भी मैं बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को कौन तोड़ रहा है? 144 धारा लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री लोकेट चटर्जी वहां जाकर के धरना प्रदर्शन कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर इनको मानना ही नहीं है, इनको वहां पे गुंडागर्दी करनी है या इस तरह से माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। इनको शांति नहीं चाहिए, ये चाहते हैं वहां पे हिंदी की बात करके। मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि आपको पता कैसे नहीं चला, आप जवाब दे रहे हैं लॉकेट चटर्जी पर। सर ये तरीका आप सब लोग बदल दीजिए, अपना अपना जवाब जिस दिन देना शुरू कर देंगे उस दिन चर्चा बड़ी अच्छे से चलेगी सर, उसका कुछ निष्कर्ष भी निकल पाएगा। खैर चूंकि आपने बखूबी से निभा रहे हैं, ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, केके शर्मा जी इन सवालों का जवाब दीजिए कि आप बंगाल में भी माहौल को बिगाड़ रहे हैं, जिस लड़के का बार बार नाम आ रहा है जिसे बिहार से पकड़ा गया है उसका ताल्लुक आपसे है, आपने उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दिए, हथियार पकड़ा दिए। मुझे आश्चर्य है पुरोहित जी, एक सेकंड में जवाब ले लूं, आपने सवाल उठाए, एक सेकंड बोलिए केके शर्मा। मुझे आश्चर्य है कि जो है टीएमसी के प्रवक्ता अभी 2 घंटे पहले हाईकोर्ट ने इनको जिस तरह से फटकारा है और जो इनको संदेश दिया है इनकी ममता बनर्जी की सरकार को, उससे भी ये सबक नहीं ले पा रहे। स्पष्टता से यदि कहें तो हाई कोर्ट का आज जो निर्देश है जिसमें स्पष्टता से कहा गया है एक परोक्ष रूप से कि आपकी पुलिस सक्षम नहीं है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लगाइए, इसके बावजूद इनको शर्म नहीं आती है वहां पर कि हम क्या कर रहे हैं। आपकी पुलिस व्यवस्था अभी ये कह रहे थे कि यहां सब कुछ शांति से बनता है। अब प्राची जी आप तो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है बार बार हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है दुर्गा पर, मैंने दुर्गा विसर्जन के लिए, यही वही ममता बनर्जी है ना जो कहती थी कि दुर्गा विसर्जन नहीं होगा, पहले ताजिया का विसर्जन होगा। इस तरह के जो है मैंने ये वहां डिसीजन पास करती है। और अभी इन्होंने क्या कहा इसी रामनवमी के पहले कि एक वर्ग विशेष को लेकर इन्होंने कहा कि वो हंगामा हिंसा नहीं करते और यदि हिंसा होगी तो हिंदुओं के जो है उसके जो है दोषी जो हिंदू होंगे। ये इस तरह से वो सरकार चला रही है और ये कहते हैं हम सबको समान रूप से मान रहे हैं। आप ये कहते हैं भैया बीच में नहीं बोला था पुरोहित जी, शांति रखिए, गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप जो बोल रहे हैं, गलत नहीं है। मैं आप कितनी बार हाई कोर्ट से डिसीजन आया आपके आगे? प्राची जी आपको थोड़ा शांत करें, पुरोहित जी एक सेकंड मैं आ रही हूँ ना आपके पास, आप जवाब दे दीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा, रुक जाइए। प्राची जी आप चाहे तो मैं पूरे कितनी बार हाईकोर्ट का डिसीजन रामनवमी जुलूस के लिए, हनुमान जयंती के लिए, दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट ने कितनी बार जो डिसीजन दिया है इसके बावजूद इनको समझ में नहीं आती और ये अपने को आपको सफेद चादर का समझते हैं, ये कह रहे हैं सियासत कौन कर रहा है। अरे आपकी वहां सरकार है, आपकी पुलिस है, आपकी खुफिया एजेंसी है और दुनिया भर, आप जो बिहार के उस लड़के की बात कर रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं पुरोहित जी, कलकत्ता और जो है इसमें हावड़ा में बिहार के कितने परसेंट लोग रहते हैं? 30% से ऊपर जो है बिहार के ही लोग रहते हैं वहां पर और वो भी वहीं का लड़का है, लेकिन आपको केवल झूठ बोलना है। एक आदमी को पकड़ लिया है उसमें से एक बच्चे को और वो पकड़ के जो कि वहीं का है, वहीं काम करता है और उसको आपने जोड़ दिया यहां से, क्योंकि आपको क्या करना, राजनीति करना। चलिए जवाब दीजिए इस पर पुरोहित जी, एक जाति विशेष एक धर्म विशेष के लोगों को आपका तुष्टीकरण करना है, ठीक है, जवाब दीजिए पुरोहित जी जल्दी से। आर्य अश्वनी जी, बंगाल बिहार, बंगाल के अंदर में बिहार राजस्थान झारखंड पंजाब सभी राज्यों के लोग रहते हैं, यहाँ पे सारी संस्कृति के लोग मानते हैं, अपनी अपनी अपने अपने धर्म को मानते हैं, शांति से मानते हैं। कहा क्या गया कि ये जो लड़का है ये हावड़ा का सलखिया का रहने वाला वासिंदा है जो भाग करके वापस चला गया, उसे मुंगेर से पकड़ के लाया गया है। ये कैसे कर रहे हैं बात को, उसे पकड़ के लाया गया, पचास अरे 50 लोगों को पकड़ा गया, आपके पास डाटा नहीं है, नहीं किया आपने, आप केवल चेहरा दिखा रहे हैं, हमारी गलती है क्या? आप केवल पुष्टिकरण कर रहे हैं, आपके पास आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप हिंदुओं आप पुष्टिकरण कर रहे हो, सिर पर कुछ नहीं कर रहे, ध्रुवीकरण करते हैं, हाई कोर्ट के आदेश पर बताइए, जवाब है तो हाई कोर्ट के आदेश पर बोलिए, आज जो हुआ है ये बंगाल हाई कोर्ट का क्या आदेश हुआ है? बंगाल की जनता को शांति पसंद है, ऐसे आप दंगे फैला करके आप सोचते हैं हम चुनाव, दंगा भड़काने वाले भी आप हो, बिहार में दंगा कराने वाले भी आप हो, दंगा भड़काने वाले भी आप हो, दंगा कराने वाले भी आप हो। महाराष्ट्र में हमने हम कराने गए थे क्या, कि गुजरात में हम कराने गए थे, मध्य प्रदेश में हम कराने गए थे, कैसी बात करते हैं, मध्य प्रदेश
पूरे देश के अंदर में 100 से ज्यादा दंगे हुए हैं, 100 से ज्यादा दंगे हुए हैं। अपना गिरेबान नहीं देखोगे, संभाजी नगर में क्या हुआ? अपना गिरेबान नहीं देखोगे, दुनिया का गिरेबान चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, पुरोहित जी और के शर्मा जी आपस में उलझे रह जाएंगे तो चर्चा बहुत लंबी खिंच जाएगी, समय मेरा समाप्त हो जाएगा। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ इन्होंने कहा कि राम भक्तों से हमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक एक आपको दावे से कहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना, रुक जाइए, अब रुकिए, के शर्मा जी और स्वयं पुरोहित जी एक सेकंड, अब अश्वनी जी, अश्वनी जी बस एक लाइन कहता हूँ, एक लाइन करके समाप्त करता हूँ। राम भक्तों से इनको कोई तकलीफ नहीं है, आपको ध्यान होगा प्राची जी, जय श्री राम का नारा लगाने पर ममता बनर्जी गाली देती थी, किस तरह से पिटवाती थी पुलिस से, तो जय श्री राम के नाम से तो इतनी नफरत है ममता जी को। अच्छा ठीक है, ये है पूरे देश में इसको देखा है। आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात, आ गई, और पुरोहित जी आपकी भी बात आ गई, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास, बाकी मेहमान भी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। अश्वनी जी आ रही हूँ, अनुप्रिया जी फिर आप ही के पास आ रही हूँ। देखिये प्राची जी, इसी तूतू मैमे करते करते बंगाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है, जितने बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं उनकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई। एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा एज ए एडवोकेट, 10 साल पहले 2012 की बात है, एक प्रोफेसर ने कार्टून बनाया था, उस कार्टून बनने के बाद उसके ऊपर इतनी धाराएं लगाई गई कि 2022 में बेल हुई है, 10 साल तक वो प्रोफेसर साहब जेल में रहे, उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्टून बनाया था। अगर मुख्यमंत्री एक प्रोफेसर को 10 साल जेल में रख सकती है तो पिछले 10 साल में इतने दंगे हुए, इलेक्शन के टाइम में तो वहां पे लोगों ने पलायन किया, असम में गए, कहां कहां जाके शरण लिया, इतने सारे लोगों को वहां पे पेड़ों पे टांग दिया गया, उनको वो जेल में क्यों नहीं रख पा रही है? वो दंगाइयों को जेल में क्यों नहीं रख पा रही है? एक निर्दोष एक पढ़े लिखे प्रोफेसर को 10 साल में जेल में रख सकती है, तो इसका मतलब बहुत सीधी सी बात है, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक इन वोट और नोट के चक्कर में दंगाइयों का समर्थन करेंगे तब तक भारत में शांति, बंगाल में शांति या बिहार में शांति स्थापित करना नामुमकिन है। दुर्भाग्यवश यही हो रहा है, वोट के चक्कर में और नोट के चक्कर में पूरा खेल चल रहा है, और ये मैं इंडिया टीवी के हजारों दर्शकों से भी कहूंगा, अब आप लोग इसको समझिए, इस वोट और नोट के चक्कर में अल्टीमेट। ठीक है, मैं इसमें अनुप्रिया जी को शामिल कर लेती हूँ। अनुप्रिया जी, एक बात जो अश्वनी जी कह रहे हैं और दूसरी बात जो असदुद्दीन ओवैसी और दानिश जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि हमने तो सवाल पूछा था सरकार की जिम्मेदारी पर, अब जो मुखिया है प्रदेश का उसी से सवाल करेंगे ना, आप एजेंट कहकर निकल लिए, सवालों का जवाब आपने दिया नहीं। मुझे एक मिनट का मौका देंगे प्राची जी, प्लीज बिना किसी के इंटरप्शन से मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, मैं एक एक का जवाब दूंगी। पहले अश्वनी उपाध्याय जी, बहुत ही गंभीरता से मैंने आपको सुना और हम चाहते भी कि गंभीरता से आप बोले, क्योंकि आपने कहा कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है इसलिए हुआ दंगा, गुजरात में भी दंगा हुआ, महाराष्ट्र में भी दंगा हुआ, वहां किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं वहां पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के कारण वहां दंगा हुआ, पहली बात, क्योंकि आपके मुंह से मैंने एक बार भी गुजरात और महाराष्ट्र का मैंने नाम लिया, मैं आपसे उम्मीद कर रही थी क्योंकि आप बहुत सीनियर है आप कहेंगे, लेकिन आपने नहीं कहा, चलिए वो आपकी इच्छा आपकी मजबूरी मुझे समझ में आती है। दूसरी बात, हमारे के शर्मा जी ने कहा कि मंदिर जलाया गया, प्रभु श्री राम के भक्तों पर हमला हुआ, उन्होंने प्रभु श्री राम के भक्तों का नाम लिया, यहाँ पे हमारे ओबीसी साहब के मेरा बयान सुनिए पहले, मैंने कहीं मंदिर की बात नहीं की, मैंने कहीं मंदिर की बात नहीं की, आप बेवजह की आरोप मत लगाइए टीवी बैठ के, पहले सुना कीजिए अपनी, अपने ज्ञान को या मुझे मेरे ऊपर मत लाइए, मैंने कहीं नहीं कहा इस बात को, ये झूठ बोलना बंद कीजिए, आपके पास जवाब नहीं है इसलिए झूठ बोलती है, आप जवाब नहीं, आप झूठ बोलती है बैठ के यहाँ पे। मैंने कहा कि मंदिर जलाया गया, बिल्कुल यदि सरकार आएगी तो उल्टा भी लटका देंगे, सरकार आएगी तो उल्टा लटका देंगे, आपकी तरह चमचागिरी नहीं करेंगे इन दंगाइयों का, आपकी सरकार की तरह चमचागिरी नहीं होगी, चाटू काटता नहीं होगी, समझ रही हैं? आपने खंडन कर दिया, आपने नहीं कहा, रुकिए अब अनुप्रिया जी जवाब दीजिए दानिश जी की बातों का, वैसे की बात है अपन टीवी में बैठ के मैं कहीं नहीं कहा, मैं चुनौती दे प्राची जी, अभी मेरा रिवाइंड करके निकालिए, ठीक है के शर्मा जी आपने कर दिया खंडन, रुकिए अनुप्रिया जी आप, ठीक है दर्शक के बारे में कहा दानिश जी और के शर्मा जी, ये भारत है और भारत में सभी धर्म सभी जाति के लोग होते हैं, मत समझाइए हम लोग को, चाटू का पलटू आपकी पार्टी हमें चाहिए ना सिखाए, ये पलटू पलटू चाचा का जो पार्टी हमें ये ना सिखाए, थोड़ी तो जुमलाबाजी से बाहर निकलिए, थोड़ी
थोड़ी तो जुमलाबाजी से बाहर निकलिए, जुमला ही करना। अच्छा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, चलिए एजेंट कहकर क्यों निकल लिए आप, जवाब दीजिए। मैं कहती हूँ कि इन्होंने कहा हम उल्टा लटकाएंगे गुजरात, एजेंट कहकर क्यों निकल लिए, इस बात का जवाब दीजिए। जघन अपराध हुआ, नहीं मुझे बोल, जघन अपराध हुआ उस अपराधी को आपने उल्टा क्यों नहीं लटकाया? क्या आपको लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं है? आप कहते हैं बुलडोजर चलवाएंगे हम उल्टा लटका देंगे, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट ने आपको नहीं कहा उत्तर प्रदेश में कि जंगल राज आ गया है? आप तो वही साथ अनुप्रिया जी एजेंट की बात का जवाब नहीं देंगी, अमित शाह का बयान आपको सूट कर रहा है तो आप उसको लेकर बैठी रह जाएंगी। अरे एजेंट की बात का जवाब दे दीजिए ना कि जिम्मेदारी सरकार की होती है या जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी साहब की है या जिम्मेदारी आपकी है बिहार में अगर दंगा भड़का है तो, और दंगाइयों के खिलाफ कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए मैडम बता दीजिए आप ही, अनुप्रिया जी बता दीजिए, दंगाइयों को क्या सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करके बोलना चाहिए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करो? सम्मान विल्किस बानो के अपराधियों को मिलना चाहिए था, ना सम्मान राजी जी मैं जवाब दूंगा, अनुप्रिया जी की बात का मैं जवाब दूंगा। हमने दंगाइयों पर कार्रवाई किया 2018 में अश्विनी चौबे के बेटों को हमने जेल के सलाखों के पीछे किया और इस बात में जो भी सलाखों, ठीक है सर मैम, तो फिर बिना जांच के सियासत करना भी छोड़ दीजिए, जांच का इंतजार कर लीजिए, रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद फिर आकर आप चर्चा कर लीजिएगा, हम बहस कर लेंगे कौन जिम्मेदार कौन जिम्मेदार नहीं। दानिश जी जवाब दीजिए, मैं आ रही हूं अश्विनी जी, दानिश जी देखिए अनुप्रिया जी जो है वो दोहरे मापदंड के साथ बात कर रहे हैं, जेडीयू का पक्ष रखने में वो मुझे लगता है विफल हैं। आज उनको बिल्किस बानो याद आई है, बहुत अच्छी बात है, एक महिला जिसके साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन जिस दौर में उनके साथ ये घटना घटी थी तब नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के साथ आडवाणी जी और वाजपेयी जी के और मोदी जी मुख्यमंत्री थे उनके साथ रहे, उनसे अलग नहीं हुए, नैतिकता उनकी तब नहीं जागी थी, अब जागी है। क्या ये वक्त की जरूरत है या फिर सियासी तौर की जरूरत है इसलिए आप ये बात कर रहे हैं? देखिए हम इतना ही कहते हैं कि विपक्ष के पे जो नुकसान अल्पसंख्यक मुसलमानों का या इसके अलावा किसी भी जाति बिरादरी का हुआ है उनका, देखिए अनुप्रिया जी आप बोले थी मैं खामोश था, आप सुनिए सवाल ये है कि जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है उनके नुकसान, अनुप्रिया जी प्लीज दानिश जी की बात आने दीजिए, समय समाप्त हो रहा है, फिर अगर आप चाहती हैं डिबेट थोड़ा शिस्त रखिए, थोड़ा अनुप्रिया जी जल्दी से, दानिश जी बोलिए, अनुप्रिया जी शिस्त रखिए थोड़ा सा शिस्त, थोड़ी सी आवाज कम करिए अनुप्रिया जी, दानिश जी सवाल ये है, देखिए आप अनुप्रिया जी सुनिए मेरी बात, देखिए आप अगर ये समझती हैं कि नीतीश बाबू कहीं जाके खजूर खा लेंगे तो ओवैसी साहब या दानिश कुरैशी खुश हो जाएंगे तो मोहतरमा ऐसा नहीं है, माफ करिए हमें इंसाफ चाहिए, बिहार में जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके साथ इंसाफ करिए, इंसाफ की मांग करिए, लेकिन इसमें धर्म का एंगल देखना बंद कर दीजिए दानिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहती हूँ कि शर्मा जी अश्विनी जी आपके पास नहीं आ पाए, हमारा वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।